ये यहां पर टोहना पुलिस स्टेशन दो रात यहां पर गुजारी, यहां का जनता का बहुत सहयोग मिला, यहां के हरियाणा का मिला, पता चला कि पंजाब बिल्कुल नजदीक है तो पंजाब के लोग बहुत आए, मेरी बहने आई वहां से, माताएं, गोगरा साहब बड़े लीडर पंजाब के, दूसरी जत्थेबंदी उत्तर प्रदेश से लोग आए और तैयारी ये कर रहे कि बता दो क्या करूंगा, मगर कुछ नहीं है हरियाणा ये इतना कोई कमजोर है ये बाहर से भीड़ बुलानी पड़ेगी। हमने तो तय कर रखा अगर पुलिस देश में तंग करेगी तो थाने हर जिले में है, ये नहीं कि यही है, अगर पुलिस तंग करेगी तो थाने हैं, अगर मंडियां तंग करेगी तो पूरे प्रदेश में, देश में मंडियां हैं, तो जो भी विभाग देश में तंग करता है उसी विभाग को वहां पर घेरो, देश को एक है, देश को अलग थोड़ा है, लेकिन बैठना पड़ेगा। हमारे पास में जो इलाज है वो है देसी इलाज, और देसी इलाज चलता है भाई लंबा, उसमें अधिकारी को कौन सी दवाई आएगी, पहले टेस्ट होगा फिर दवाई देंगे, वो उसको रिएक्शन करती है तो उसको दूसरी देनी पड़ेगी, फिर तीसरी देनी पड़ेगी, किसी के टेस्ट यहाँ पर हो किसी के जिले में हो जाएंगे, यहाँ के सारी टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आती है वो चंडीगढ़ से आती है, ठीक है, बहुत जिलों में टेस्टिंग की रिपोर्ट वहां के वही लैब है, वही बनके वही कर दे, लेकिन यहाँ पे कोई वे मशीनरी अधिकारियों को इतनी ताकत नहीं है कि वे अपने उससे कुछ कर ले, क्योंकि यहाँ पे हर रिपोर्ट चंडीगढ़ जाती है। ये जो सरकार है ना, जब भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई, 12 मीटिंगें हुई, तो जो भी मंत्री वहां पे भी बात करने आया उसके साथ में भी अधिकारी रहते थे, वे लिख कर देते थे, हर सवाल का जवाब वे लिख कर देते थे, और सवाल का जब उस पर उत्तर नहीं होता था तो कहता था कि चाय पिया मैं, तो चाय पीने का मतलब था कि मैं अपने आंखों से इसका उत्तर ले आऊं। तो जब तक भाई पंच में पंचायत और जो पंच है, जब तक वे उत्तर लेने के लिए बाहर जाते रहेंगे तो फैसला होगा ही नहीं, होगा ही नहीं फैसला, ये तो पंचायती परंपरा है ना, सब जानते हैं। तो ये है कि हो गया, यहाँ का जो भी कमेटी ने निर्णय लिया सब जनता ने उस निर्णय को मानना है यहाँ की, तो भाई धन्यवाद है आपका भी, यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी, ये उन्होंने कम से कम ये मामला निपटा लिया, तैयार बहुत बैठे थे लोग यहाँ पे आने के लिए भी बैठे थे और वहां पे भी तैयार थे, ये तो हो गया नहीं, यहाँ पे तो ट्रेनिंग आपकी कच्ची है, आप तो लड़ाई भिड़ाई में जाते, विश्वास रखो आप थकाने में नहीं लाते, हुआ है ना, यही पुलिस स्टेशन, इन्हीं की पुलिस अपने ही थाने पे धरने पे बैठी, रात को आपके साथ ही बराबर हुई, पांच ही पत्थर बनता था, मतलब ये देखा इतिहास का पहली बार हुआ कि अपने ही थाने पे पुलिस अपने ही धरने पर बैठेगी, यहाँ तो सुबह हालात ये होगी ठीक है, जमीन कब्जे का हो गया था, यहाँ के पड़ रहे थे मकाबे, ये कब्जा करेंगे, अपने कब्जे बिछाओ नहीं तो ना कब्जा कर लिया, आगे भी बढ़ा रहे धीरे धीरे, और आप भी पूरी फोर्स ऐसे लगा रखी है लाइन, समझौते बात नहीं है, पुलिस भी नहीं है क्योंकि देखा कंडा बजा एक बार रिवाड़ी में 10,000 की वहां पे भीड़ बावल में, उन्होंने भीड़ ने कह दिया कि भाई रास्ते जाम करेंगे, तो इतनी देर में कही थे हमने इतने चप्पल पहरी, इतने तो घोड़ा पुलिस और आंसू गैस के घोड़े साथ थे, मगर भाई यहाँ की फोर्स भी क्रांतिकारी है, क्योंकि है तो सारे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी सबको करनी चाहिए, बहुत लोग ने ये करी कि मैं डंडा छोड़ कर आ जाओ, अरे क्यों उनकी 40-50 हजार रुपए की सैलरी में हिंदी मारी, क्यों नुकसान करूंगा, डंडा छोड़कर तो आ जाएंगे, इनकी तनख्वाह कौन देगा, इनकी अपनी नौकरी कर लें दो, इन्हें अपना काम कर लें दो, और ये हो रहा है कि जिसने जहां पे ड्यूटी लगी वो अपना प्रमुखता से अपना काम करे, इनकी लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम, फौज की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपके परिवार के बच्चे पुलिस में हैं, आपने कभी इनका क्वार्टर दिखा जाके, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने भारत सरकार को लिखा, हमने स्टेटों को लिखा है, वहां के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्रियों को लिखा,
उनको चिट्ठियां लिखी, उनसे पर्सनल मिले। इनका क्वार्टर एक कमरे का है, वो अपने माँ बाप को भी अपने क्वार्टर में नहीं ले जा सकते, अपने रिश्तेदार को नहीं ले जा सकते अपने क्वार्टर में, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। जीना, जीवन जीने का सबका अधिकार है, इनका भी अधिकार है। आप इनसे ड्यूटी दिलवाओ, कहीं पे भी दिलवाओ, लेकिन एक जो सरकारी रूम है वो दो कमरों का तो दे दो, कम से कम इसके परिवार बच्चे रह जाएंगे, उनमें हीन भावना ना आए कि मेरे पे एक छोटा सा कमरा है और मेरा रिश्तेदार भी उसमें जा नहीं सकता, मेरे बाप बाप भी उसमें नहीं जा सकते। ड्यूटी इनसे 24 घंटे लगते हो, लेकिन इनका जो जीवन है, जो उनका स्तर है, वो तो दे दो। तो ये भारत सरकार को लिखा है, इनके क्वार्टर का जो साइज है वो बढ़ा जाए, और का पढ़ाई का उसका तो कर लेंगे। इनकी सैलरी क्यों टीचर के बराबर नहीं हो सकती? टीचर कितनी नौकरी करता है, ये कितनी करते हैं, इनकी उनसे आधी सैलरी आ गई, कौन करेगा इनकी बात? तो ये बात भी हम पाते हैं, क्योंकि मैं रहा हूं पुलिस में नौकरी कर रही है, मुझे पता है उसका जो दर्द होता है। मैंने रहा हूं पुलिस में, मैं जानता हूं कि क्या क्या कष्ट लेने पड़ते हैं। तो रहा यह मामला, दूसरा यह है कि हमारा इशू दिल्ली है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जो दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उनकी जिम्मेदारी यह बनती है कि वे दिल्ली पे पूर्ण रूप से कब्जा रखें। उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वे दिल्ली पे जो मोर्चा है उसको कमजोर ना होने दे। यहां की सरकार चाहती है कि ये क्षेत्र जो रोहतक, हिसार, सिंध के आसपास का क्षेत्र है, पूरे मोर्चे को यहां पे समेट दे बीच में, और दिल्ली वाला मोर्चा भी यहीं आ जाए, क्योंकि यहां पे आपस में है ना, जो यहां का गृहमंत्री है उसने ले रखी जिम्मेदारी, उसने कह रखा कि खट्टर की जगह मुख्यमंत्री बना देंगे, तू मोर्चा ले आया पे। तो भाई खट्टर साहब, अपनी कुर्सी बचाने के ध्यान रखो, तुम्हारी कुर्सी पे नजर है आपके होम मिनिस्टर की, और तुम्हारा होगा पत्ता साफ, अपनी कुर्सी बचाओ पहले। और नहीं, ये सरकार बताते हो ना कि किसकी सरकार है, देश में अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं, देश में है मोदी की सरकार, और मोदी को चलाती है कंपनियां। तो ये गलत फहमी निकालते हैं बीजेपी वाले कि हमारी सरकार है। अरे तुम्हारे तो जो बड़े लीडर हैं वे तो घरों में कैद हैं, दिल्ली के जो चमकीली कोठियां है ना उसमें दे रखी है उनके, वहां तो पत्रकार भी नहीं जा सकता। आपके जो बड़े बड़े लीडर हैं वे तो बंद है वहां पे, आप पहले उनको छुटाने का काम करो। आपकी कहां सरकार है, आप तो अपनी पार्टी को बचाओ पहले। यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे स्वामीनाथन कमेटी के गारंटीड उस पर कानून नहीं बनेगा। ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, बहुत लोग और पत्रकार ये कहते हैं कि कब तक चलेगा आंदोलन कब तक चलेगा? हो सकता है कि सरकार 2022 में वापसी ले ले, हो सकता है कि 23 में वापसी ले ले, और यह आंदोलन चलता रहा तो 24 में गारंटेड ये कानून वापसी होगा, और भारत सरकार ही इसको वापसी लेगी, भारत सरकार ही लेगी इसको वापसी। कौन सी सरकार होगी, किस पार्टी की होगी, वो नहीं हमें पता, लेकिन भारत सरकार को इस कानून को वापसी लेना पड़ेगा। आप तैयारी रखो, आपको जो खेत में फसल बोते हो तो 3 साल का तो फसल का भी उसका भी बोरा रखते हो ना, खेत का भी, कि कौन से खेत में किस साल मुझे कौन सी फसल काट कर कौन सी फसल बोनी है। तो होगा 2 साल तो खत्म हो गए, 3 साल तो रह गए, अब निपट जा। यह आंदोलन चलता रहेगा, अपने आंदोलन की तैयारी 3 साल की करो, पक्के टीन सेट के मकान वहां पे बनाओ अपने, उसे काम नहीं चलने वाला। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ही आपका आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार होगा, ट्रैक्टर को मजबूत रखो अपने को,
अगर जब किसान के पास में ट्रैक्टर होता है ना तो मोर्चे पोर्चे को कुछ नहीं छोड़ता, ना वो बैरिकेटिंग ना गाड़ी पाड़ी कुछ नहीं छोड़ता, सीधी टक्कर लेता है। दिया है ना, इसमें 5 साल लगे ट्रैक्टर पे आंदोलन करने से, मोर्चे तोड़ने पे। 2018 से ट्रैक्टर का आंदोलन शुरू हो गया था, जब किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से और दिल्ली गई, ये हो गया था शुरुआत। तो अपने ट्रैक्टर को तैयार रखो, अपना राशन पानी तैयार रखो, और ये भी है कि एक गांव 15 आदमी और एक ट्रैक्टर, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान रख लेना। एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन, उसके बाद में फिर चेंज हो जाएगी, इससे कभी मार खाएंगे नहीं। ये कानून को वापसी करने पड़ेंगे सरकार को। ये गलत फहमी दिल्ली सरकार निकालते, LIU इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे होंगे, ये 26 तारीख हर महीने आती है, कैलेंडर में से तारीख खत्म नहीं हुई 26। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी इसी देश के हैं, और वो 25 लाख आदमी जो दिल्ली गया था वो भी इसी देश का है। ये 26 तारीख इनका नाश का कारण बनेगी। आपने गणतंत्र दिवस को ललकारा है, गणतंत्र दिवस को कलंकित करने का काम करा है 26 जनवरी को। आपको माफ नहीं करा जाएगा। हिंदुस्तान का किसान मजदूर नौजवान साथी जो हमारे बेरोजगार साथी है, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने तिरंगे का अपमान करा है, 4 लाख तिरंगे किसान लेकर गया था, उनको कोई आपने सम्मान नहीं दिया। आपने तिरंगे के अपमान, तिरंगे का अपमान करा, तिरंगे पे राजनीति करने की कोशिश करी, देश को अलग अलग जो किसान है उन पे अलग अलग एलिगेशन लगाए, पंजाब पे अलग एलिगेशन लगाओगे, सिखों को आप खालिस्तान नहीं बताओगे, मुस्लिमों को आप पाकिस्तान नहीं बताओगे, यहाँ के किसान को आप जाटिस्तान बताओगे, छोटा बड़ा किसान बताओगे, आप एक फसली का किसान बताओगे, कितने एलिगेशन लगाओगे। अब और कुछ नहीं पड़ा तो कोरोना का बम्बार्ड किस किसान ने करा ये बताओगे। अरे अगर कोरोना कोई बीमारी है तो उसका इलाज अस्पताल है, बीमारी का इलाज अस्पताल है और किसान का इलाज पार्लियामेंट है। ये ध्यान से सुन लेना, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत संयुक्त मोर्चे से नहीं करेगी। ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, ये पूरा क्रांतिकारी क्षेत्र है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये आपने यहाँ पे भी देख लिया, आपने जो समझौता करा है, हमने फिर कहा है कि जो भी कमेटी ने समझौता करा है वो सिरमाप है, लेकिन हमारा जो मोर्चा है वो वहां पे है। और यहाँ के होम मिनिस्टर ने तो कहा है कि अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना तो आप 200 मीटर दूर से करें। होम मिनिस्टर ने कहा कि 200 मीटर, हमने कहा जी कुछ हम इनको कहेंगे किसानों को, क्योंकि ये 1 मीटर दूरी से कर रहे, आप 200 मीटर दूरी से कर रहे, तो कुछ आप दूरी घटा दो, कुछ हम इनकी बढ़वा देंगे, तो बीच में समझौता करवा देंगे। पंचायती फैसला है भाई, 25-30 मीटर से कर लेंगे, कुछ आप घट जाओ, 100 से नीचे आप आ जाओ, कुछ इनको बढ़ाओगे, दूसरी मीटिंग में समझौता हो जाएगा। भाई 20 मीटर से करना, 30 मीटर से करना, होम मिनिस्टर ने कहा तो आपकी भी बात रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा है ये तो मान लिया कि किसान आंदोलन कर काले झंडे दिखावे, लेकिन अब मीट रूप है तो कुछ मीटर घटाकर 100 मीटर से नीचे ले आओ, कुछ हम इनको बढ़वाएंगे, तो कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा। तो पंचायती फैसले पंचायत में बैठकर समझौता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे सुबह से, क्योंकि हम भी 6:30 बजे अभी आगे थे, नान होगा कहीं, यहाँ का प्रशासन बहुत बेटा है, हमने इनको कहते रहे भाई महिलाएं हैं हमारी और वाशरूम की व्यवस्था करवा दो, नहीं करवाई। यहाँ पर आपको मच्छर लगे भाई, एक वो फोगिंग मच्छर वाले लगा दो, वो नहीं करी, कोई टॉयलेट की उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी, कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ा हमें पेट्रोल पंप पर। लेकिन ये चीजें भी अगर आंदोलन है, अगर भाई मंडा है, आपने शादी का न्योता दिया है, तो भाई टेंट तो आपके बाहर ही लगेंगे, आपका धन्यवाद है कि टेंट आपने लगवा के दिया, ठीक है। लेकिन और सुविधाएं भी आपको करनी चाहिए, आगे अगर आंदोलन अपने घर पे बुलाना है तो आंदोलन की, आंदोलन की ये है कि अगर मोर्चा आपके यहाँ पर लगाए तो सुविधाएं भी आपको देनी पड़ेगी।
ये तो खुशी होनी चाहिए आपको कि पटना जो पुलिस स्टेशन है इसका पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम उठा के कहाँ है, नक्शे पर कहाँ है। तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।